झारखंड बनने के बाद से अब तक विधानसभा चार आम चुनावों में किसी एक दल को जनता से पूर्ण बहुमत नहीं मिला। बहुमत के आंकड़े किसी भी एक दल के लिए दूर की कौड़ी रही। इस कारण झारखंड में हमेशा गठबंधन की ही सरकार बनती गई। ऐसा भी मौका आया कि दलों के बीच दलदल के कारण मिलकर भी सरकार बनाने की स्थिति नहीं बनी। इस कारण झारखंड में तीन बार राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। 2024 के विधानसभा चुनाव को लेकर अब तक जो स्थिति बन रही है उसमें फिर इतिहास दोहराए जाने की संभावना है। इंडिया और एनडीए गठबंधन में शामिल किसी एक दल को पूर्ण बहुमत का आंकड़ा मिलता नहीं दिख रहा है। 81 सदस्यीय विधानसभा में किसी एक दल को बहुमत के लिए 41 सीटों का आंकड़ा प्राप्त करना अनिवार्य है। राज्य के दोनों प्रमुख गठबंधनों के प्रमुख दलों की स्थिति कुछ यही कह रही है। भाजपा 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। भाजपा के रणनीति का स्वीकार करते हैं कि अकेले पार्टी को 68 में 41 सीटें मिलने की उम्मीद नहीं दिखती है। उसी तरह इंडिया गठबंधन की प्रमुख पार्टी झामुमो पिछली बार 41 सीटों पर ही चुनाव लड़ पाई थी। इस बार इसमें एक दो सीटें और कम होने की संभावना है। इस स्थिति में झामुमो 40-41 सीटों पर ही चुनाव लड़ने जा रही है। फिर उसे बहुमत के लिए जरूरी 41 सीटों का आंकड़ा मिलना संभव नहीं है। झारखंड में अब तक विधानसभा के चार आम चुनाव हो चुके हैं। 2005 के पहले आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 30 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो को 17, कांग्रेस को 9 और आजसू को 2 सीटें मिली थी। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के।